आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साबिका श्रीवास्तव। असम के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण फिर से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने असम के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल है जो हम सबको परेशान कर रहा है कि आखिर क्यों असम में हर साल बाढ़ आती है और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। देखिए ये रिपोर्ट। आखिर असम में क्यों आती है हर साल भीषण बाढ़? क्या नहीं है इसका इलाज? असम में हर साल बाढ़ आना और उससे करोड़ों का नुकसान होना अजीब सी बात लगती है, लेकिन यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी की भौगोलिक स्थिति और मानसून के मौसम के प्रभाव से ही कुछ ऐसा अनोखा संयोजन है कि यहाँ बाढ़ अप्रिय है। हम यहाँ के हालात टाल तो नहीं सकते, लेकिन उसके असर को कम करने के लिए तैयार जरूर रह सकते हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अनुमान होने पर भी प्रदेश को 200 करोड़ का नुकसान रोका या कम नहीं किया जा सकता है? ऐसा क्यों है कि हम इस विभीषिका को झेलने के लिए एक तरह से अभिशप्त से लगते हैं? असम में 31 लाख हेक्टेयर का इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है, जो कि प्रदेश का 39% हिस्सा है। ऐसे में आपको बता दें कि असम के आसपास का इलाका भी यहाँ बाढ़ के लिए मददगार होता है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के पहाड़ों से होकर यह नदी नीचे की ओर बहती है। इन दोनों राज्यों में मानसून में भारी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ दक्षिण की ओर और बंगाल की खाड़ी से बारिश के बादल आते हैं। असम ऐसे घटनाओं को झेलने की स्थिति में नहीं होता है और नदी जब बाढ़ आती है। वहीं पश्चिम आसाम में भूटान की वजह से यहाँ पानी बाढ़ के हालात बना देता है। यहाँ का निचला इलाका कृषि के बहुत ही अनुकूल क्षेत्र है, जिससे यहाँ ग्रामीण इलाका खासा फैला हुआ है। इससे यहाँ बाढ़ के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। असम का बाढ़ प्रभावित हिस्सा भारत के कुल बाढ़ प्रभावित हिस्सों का 10% हिस्सा है। इस समस्या की प्रमुख वजह प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक भूभाग में है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को प्रदेश का 50 सहायक नदियां पानी देती है, जिससे यह बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। मालूम हो कि ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की दूसरी ऐसी बड़ी नदी है जो अपने साथ सबसे ज़्यादा पानी और अवसाद बहा कर लेके आती है, जिससे निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। असम में बाढ़ के लिए किए गए उपायों में सबसे ज़्यादा अस्थायी बंध बनाना शामिल है, जिससे बाढ़ का फैलाव ज़्यादा इलाकों में ना हो, लेकिन यह बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। ज़रूरत है यहाँ एक व्यापक और पूरे ही इलाके को शामिल कर एक एकीकृत या समग्र नीति बनाकर किनारों के लिए प्रभावी टिकाऊ तटबंध बनाने की है। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।